नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा और आज हम बात करेंगे डार्क स्किन और हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में। मार्केट में बहुत सारे स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ये स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में हार्श केमिकल होते हैं और ये हार्श केमिकल्स का अगर हम रेगुलर या प्रोलॉन्ग यूज़ करते हैं तो इनका हमारी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हाइपर पिगमेंटेशन को समझने के लिए मेलानिन के बारे में जानना होगा। मेलानिन क्या है? मेलानिन हमारी स्किन के पिगमेंटेशन, हमारी स्किन कलर, हेयर और आई कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ये मेलानिन मेलानोजेनेसिस के प्रोसेस से मेलानिन बनता है और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पाथवे है और इस पाथवे में बहुत सारी एंजाइमेटिक कैटलाइज्ड एंड केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और ये जो रिएक्शंस हैं इनमें कुछ एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और ये एंजाइम होते हैं टायरोसिनेज रिलेटेड प्रोटीन 1 यानी कि TRP1 एंड TRP2। तो इनका बहुत मेजर रोल होता है मेलानिन के फॉर्मेशन के लिए। तो जितनी भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स के कुछ डार्क साइड्स भी हैं और ये डार्क साइड होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स में दो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, वो होता है हाइड्रोक्विनोन एंड मर्करी और इनका ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है स्किन के लिए। बट रिसर्च के अकॉर्डिंग कि रेगुलर प्रोलॉन्ग यूजेज में ये स्किन पर टॉक्सिक भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग यूजेज में ये स्किन को डार्कनिंग और प्रीमैच्योर एजिंग का प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो अगर आप स्किन लाइटनिंग के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में हाइड्रोक्विनोन और मर्करी होता है और बिना जानकारी के प्रोडक्ट ख़रीदना सही नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए? तो हमें जो प्रोडक्ट ख़रीदना है हमें उसमें देखना है कि उसमें नेचुरल कंपोनेंट्स ही हों। लेमन एंड अदर सिट्रस फ्रूट्स में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं और विटामिन सी इसमें ज़्यादा होने की वजह से ये कोलेजन को प्रोड्यूस करता है और स्किन को स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बनाता है। इसी के साथ ही विटामिन सी मेलेनोसाइट्स के हाइपर एक्टिविटी को मिनिमाइज कर देता है जिसकी वजह से मेलेनोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन की डीपर लेयर में मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से टैनिंग या डार्क स्किन के इश्यूज होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी जिसमें 13 एक ऐसी हर्ब्स हैं, ऐसे फ्लावर रूट और फ्रूट एक्सट्रैक्ट हैं जो हमारी स्किन के लिए हाईली बेनिफिशियल हैं। तो प्रोडक्ट है चब्बी बेबी ऑयल और इसमें दो सिट्रस एक्सट्रैक्ट्स हैं। फर्स्ट इज सिट्रस उनशियु पील एक्सट्रैक्ट। ये हमारी स्किन की ब्राइटनेस और वाइटनिंग एजेंट की तरह काम करता है। और पॉन्सीरस ट्राइफोलिएटा फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ये हमारी स्किन में एलर्जीज को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है, एलर्जिक डर्माटाइटिस या इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने में इसको यूज़ किया जाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोराइजा ग्लैबरा, जिसको हम लिकोराइस एक्सट्रैक्ट कहते हैं और कॉमन लैंग्वेज में हम उसे मुलेठी बोलते हैं और ये पिगमेंटेशन यानी कि मेलानिन के फॉर्मेशन को रोक सकता है। इसी के साथ ही ये मिनिमाइज करता है रेडनेस को, एक्ने डैमेज को, एक्ने स्पॉट्स को और स्किन को ब्राइट बनाता है। इसमें अनदर इंग्रेडिएंट है सनफ्लावर सीड ऑयल, जिसको बोलते हैं हेलेंथस एनस और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं और वो है ओलिक एसिड, लेनोलेनिक एसिड और सीसामोल और विटामिन ई। और विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारी स्किन को फ्री रेडिकल से प्रिवेंट करता है, सन के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं यानी प्रीमैच्योर एजिंग और रिंकल्स, उससे हमें बचाता है। तो जब भी कोई सनफ्लावर सीड ऑयल आप यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्टली विटामिन ई के जो बेनिफिट्स हैं वो आपकी स्किन को मिल जाते हैं। सनफ्लावर सीड में जो लिनोलिक एसिड होता है ये इसको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। ये हमारी स्किन को बैक्टीरिया और जर्म से प्रोटेक्ट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और स्किन में मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चब्बी बेबी ऑयल का वो है स्कुटेलेरिया बैकेलेंसिस और ये इसको हम चाइनीज स्कल कैप भी बोलते हैं या बैकल स्कल बैकैप भी बोलते हैं और ये हेल्पफुल होता है। ये एंटी एलर्जिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है एंड एंटी ऑक्सीडेंट होता है।
तो नेक्स्ट नेचुरल चबी बेबी इंग्रेडिएंट है लीथोस्पर्मम ऑफिसिनिल। ये यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है और ये इसका कॉमन नेम है ग्रूमवेल। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन की एजिंग केयर के लिए। ये प्रमोट करता है फेयर और स्मूथ स्किन को। और इसके जो मेन जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है एजिंग के लिए, एजिंग केयर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला हर्ब है। अनदर इंग्रेडिएंट है पायोनिया अल्बीफ्लोरा रूट एक्सट्रैक्ट। और ये रूट एक्सट्रैक्ट हेल्प करता है प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा स्किन कंडीशनर है, स्किन को कंडीशनिंग करता है और ये प्रीमेच्योर एजिंग को प्रिवेंट करता है। अदर नेचुरल चबी बेबी ऑयल इंग्रेडिएंट है क्रायसैंथेमम इंडिकस फ्लावर एक्सट्रैक्ट। और ये एक नेचुरल स्किन वाइटनिंग एजेंट है और ये मेलानिन के को रिड्यूस कर देता है और इसलिए इसको बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। और ये एक अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, एंटी ऑक्सीडेंट भी है। अनदर इंग्रेडिएंट है एंजेलिका गीगा और एंजेलिका डोरिका। एंजेलिका गीगा कोरियन हर्ब है और इसको कोरियन एंजेलिका बोलते हैं। और ये इसमें एंटी एजिंग एंटी ऑक्सीजन प्रॉपर्टीज होते हैं, ये एजिंग को डिले करता है। एंजेलिका डोरिका चाइनीज एंजेलिका है और ये माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और मेलानिन को इनहिबिट करता है, वाइटनिंग को प्रमोट करता है और साथ ही स्किन एजिंग को भी डिले करता है। अनदर इंग्रेडिएंट है अल्मस डेविडियाना और ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और ये एग्जैक्टली काम करता है हाइलुरोनिक एसिड की तरह। और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड फोटो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो लास्ट इंग्रेडिएंट है फॉरसाइथिया सस्पेंसिया फ्रूट एक्सट्रैक्ट और इसमें होता है स्किन लाइटनिंग एजेंट। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, एंटी रिंकल है, एंटी ऑक्सीडेंट है और ये एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है। तो स्किन पर एक्ने बॉयल्स या कार्बनकल्स की प्रॉब्लम में भी ये हेल्पफुल होता है। इसी के साथ ही बहुत सारे स्किन वाइटनिंग फेशियल मास्क मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट्स डाला गया है। तो बेसिकली अभी कोई ऐसी रिसर्च या एविडेंस नहीं है कि बायोएक्टिव कंपाउंड इन गैनोडर्मा टायरोसाइनेस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही रिजल्ट ये भी बताते हैं कि गैनोडर्माइडल फ्रॉम गैनोडर्मा ल्यूसीडम एक बहुत ही पोटेंशियल कंपाउंड की तरह काम करता है और ये काम करता है एज अ एंटी पिगमेंट्री एजेंट की तरह। सो आई होप चबी बेबी ऑयल का ये वीडियो आपको पसंद आए और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच।